यूपी के हरदोई में ग्रामीण इलाके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल गांव की गरिमा नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके जरिए शिक्षित महिलाओं के नाम पर गांव की सड़क का नाम रखा जा रहा है। दरअसल ग्रामीण इलाके में महिलाएं शिक्षा और संसाधनों के अभाव से बेहतर आयाम हासिल नहीं कर पाती हैं। उन्हें कामयाबी के प्रति प्रेरित करने के लिए गांव के कामयाब महिलाओं के नाम पर सड़क का नाम रखा जा रहा है। फिर वो चाहे बहू हो या फिर गांव की बेटियां ही क्यों न हो, जो महिलाएं पढ़ लिख कर शिक्षा, चिकित्सा समेत दूसरे विभागों में तरक्की हासिल कर चुकी हैं, उनके नाम से प्रशासन ने ये अभिनव प्रयोग किया है, ताकि गांव की महिलाओं में बेहतर शिक्षा हासिल कर कामयाब होने का जज्बा जाग सके। ये मेरे नाम से ये जो मार्ग का नामकरण हुआ है वो मुझे देखकर इसलिए, क्योंकि मेरे नाम, मैं जब ऐसा कर सकती हूँ तो और भी बालिकाएं, महिलाएं और मुझे देखकर आगे बढ़े, इसलिए मेरे नाम पे ये नामकरण गली का किया गया है। और मैंने 15 साल के बाद ही अपना ये टेट क्वालिफाई किया, 3 टेट क्वालिफाई किए हैं, सुपर टेट किया है। तो मैं एज ए टीचर बच्चों को भी ये बताती रहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और ख़ास करके बालिकाओं को, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने गांव का नाम रोशन करें। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं प्राथमिक विद्यालय जतुली में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करने के लिए प्रशासन की ये नई पहल फिलहाल हरियावान विकासखंड के 52 में शुरू की गई है। खंड विकास अधिकारी हरियावान रचना गुप्ता की बेहतर सोच और अथक प्रयास से इस नई पहल को अमली जामा पहनाया जा रहा है। रचना गुप्ता ने विकास खंड हरियावान और 52 में ऐसे गांवों को चिन्हित किया है, जिन गांवों की रहने वाली महिलाएं, चाहे बहू हो या फिर बेटियां, जो शिक्षा, चिकित्सा समेत दूसरे क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, उन्हीं महिलाओं के नाम पर पंचायत से प्रस्ताव पास करवाकर गांव के सड़कों का नाम रखा जा रहा है। विकासखंड हरियाणा के 11 पंचायतों में 19 महिलाओं के नाम पर गांव के सड़कों का नाम रखा गया है, जबकि विकासखंड 52 में 40 महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम पर सड़क का नाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नारी को सम्मान देने के लिए ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें गांव की गरिमा के नाम से एक पहल शुरू करी गई है, जिसके तहत गांव में जो अच्छे पदों पे महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके नाम से गांव की गरिमा नाम के नाम से एक बोर्ड लगवा कर ऐसी बच्चियां जो गांव में पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो कम से कम उससे मोटिवेट होकर वो आगे बढ़ पाएँ। कितने गांव में विकास? ये हरियावां ब्लॉक के विकास खंड के 11 ग्राम पंचायतों में 19 ऐसी हमारी गांव की गरिमा बोर्ड लगवाने के लिए महिलाएं मिली हैं, और इसके बाद विकास खंड 52 में जो है वो भी कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसमें लगभग 40 महिलाएं जो विभिन्न पदों पर हैं, स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक हैं, लेखपाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, रेलवे में हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे पदों पे कार्यरत हैं, उनके बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। समाज में पुरुषों के बराबर महिलाओं को हक दिलाने के लिए प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए गांव के गरिमा नाम से ये पहल शुरू की गई है, ताकि गांव की महिलाएं और बेटियां सम्मानित महिलाओं से प्रेरित हो सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।